स्कूल टीचर्स की अपॉइंटमेंट और मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में लगातार चेंजेस आते रहे हैं। चेंजेस मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स की अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो चेंजेस डिस्कस करूंगा उन चेंजेस ने प्राइवेट स्कूल टीचर्स की अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करना है। जो कैंडिडेट बीएड और डीएलएड करके गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते थे वो प्राइवेट स्कूल में अपनी आस बना के रखते थे, लेकिन उनको अब उसी क्राइटेरिया से गुजरना होगा जिस क्राइटेरिया से गवर्नमेंट टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है। स्कूल टीचर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर जो मेन एजेंट्स हैं इंडिया में वो सबसे पहला है आरटीई एक्ट 2009, सेकंड है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, थर्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस अपॉइंटमेंट स्कूल टीचर्स की अपॉइंटमेंट का मेन फैक्टर जो चेंजेस इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट टेट। टेट के लिए सबसे पहला डिसीजन लिया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। इस एक्ट के 23rd सेक्शन में टीचर्स की क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन की इंडिकेशन दी गई है। इसके पार्ट वन में लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एकेडमिक अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित की जाएगी वो स्कूल टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी अपॉइंटमेंट के लिए। सेकंड इसमें बात की गई है कि अगर जिन टीचर्स के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको मिनिमम 5 ईयर का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर ले, जो कि गुजर चुका है 2009 के इस एक्ट के बाद। एकेडमिक अथॉरिटी दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जिसने स्कूल टीचर्स की क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट निर्धारित करनी होती है। 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन दी गई एनसीटीई के द्वारा जो कि आरटीई के एक्ट सब सेक्शन 123rd के अनुसार है जो पीछे बात करके आए हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी ने स्कूल टीचर की दी है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है फॉर क्लास 1st to 5th एंड सेकंड फॉर फ्रॉम 6th to 8th क्लास। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में एनसीटी ने 2010 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना जरूरी कर दिया टीचर्स के लिए। 2010 के बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेट का एग्जाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये इस पॉलिसी को लागू किया, यानी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना एक कंडीशन रख दी गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अपॉइंटमेंट के लिए रिलैक्सेशन चलती रही। आज भी इंडिया के प्राइवेट स्कूल में लार्ज नंबर ऑफ आर नॉट विद टीईटी। 2010 के बाद स्कूल टीचर्स की क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चेंज आया वो आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के पेज नंबर 19 पर 5.4 पॉइंट पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की डिटेल में बात की गई है। इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि टीईटी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके टेस्ट मटेरियल और पेडागोजी कंटेंट एटसेट्रा में सुधार किया जाएगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इस वीडियो में सबसे बड़ा पॉइंट है कि टीईटी विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर अ टीचर अक्रॉस ऑल स्टेजेस। आप जानते हैं कि ये नया स्ट्रक्चर है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंज हुआ है। इसमें जो इस पॉलिसी से पहले वो टीचर जिसने इन क्लासेस को टीच करना होता था उनको टेट चाहिए था, सेकंड इन क्लासेस को, इट मींस क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th को टीच करने वाले टीचर्स को टीईटी नहीं चाहिए था। दूसरा, प्री प्राइमरी टीचर को भी टीईटी नहीं चाहिए था, जो ऊपर डिसीजन पेज नंबर 19 पर एनईपी 2020 ने लिया है उसके अनुसार अब इन सभी टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए आपको टीईटी पास करना। हम जानते हैं कि एनईपी 2020 को एक साल गुजर चुका है, कोविड के कारण गवर्नमेंट ने अभी तक बड़े स्टेप्स नहीं उठाए, लेकिन अब बड़े स्टेप्स उठने शुरू हो गए हैं। इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि जो कैंडिडेट एनटीटी, डीएलएड, बीएड और इवन
पोस्ट ग्रेजुएशन है साथ में, जिन्होंने 10+1-2 को टीच करना है, पीजीटी के लिए अपॉइंट होना है, पॉलिसी के मुताबिक उन सभी को टेट पास करना होगा। थर्ड पॉइंट में पॉलिसी ने कहा है कि जो ये सब्जेक्ट टीचर्स के लिए टीईटी या एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के टेस्ट स्कोर जो उस सब्जेक्ट में टीचर्स ने गेन किए होंगे वो रिक्रूटमेंट के वक्त मेरिट में शामिल किए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के टीचर हैं, अपॉइंट होना चाहते हैं, तो आपका मैथ का स्कोर उसमें मेरिट में शामिल किया जाए। इसकी इम्प्लीकेशन आपके लिए क्या हुई कि टेट पास करना अब काफी नहीं है, टेट में मैक्सिमम मार्क्स लेना ज्यादा जरूरी है अगर आप जॉब चाहते हो तो। फिफ्थ पॉइंट में पॉलिसी ने क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू को वेटेज दी है, जो कि कंपलसरी हो जाएगा अपॉइंटमेंट से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। इट मींस जब टीचर अपॉइंट करने होंगे तो लोकल टीचर्स को जो नेटिव लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग अच्छी तरह से जानते हैं, उनको लैंग्वेज टीचर के लिए प्रेफर किया जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स आल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड सिमिलरली थ्रू टीईटी डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू एंड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगना है या प्राइवेट स्कूल में टीचर लगना है, आपकी क्लास बेशक प्री प्राइमरी है या 9th, 10th, 10+1-2 कोई भी है, आपके लिए चार कंडीशंस जरूरी है। नंबर एक, टीईटी आपका पास होना चाहिए। नंबर दो, आपके मार्क्स उसमें ज्यादा चाहिए मेरिट के लिए। नंबर तीन, डेमोस्ट्रेशन, आपकी क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन जरूर होगी। नंबर पांच, इंटरव्यू जरूर होगी। और नंबर छह, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपकी टेस्ट की जाएगी। तो इसकी इम्प्लीकेशन डायरेक्ट आपके लिए क्या है, बेशक आप एनटीटी कैंडिडेट हो, बीएड कैंडिडेट हो, डीएलएड कैंडिडेट हो, आपने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगना है या प्राइवेट स्कूल में टीचर लगना है, आपके लिए कंडीशन नंबर वन है कि आपका टेट पास चाहिए। नंबर दो, टेट में आपके अच्छे मार्क्स चाहिए। नंबर तीन, आपकी क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन होगी। नंबर चार, आपकी इंटरव्यू होगी। नंबर पांच, आपकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी अपॉइंटमेंट के वक्त टेस्ट हो। 2020 के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने 17 फरवरी 2021 को एक न्यूज दी जिसमें साफ लिखा है कि एनसीटी मेक्स टीईटी कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल टीचर्स टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन। ये इसमें लिखा है कि टीईटी इज मैंडेटरी फॉर टीचर्स ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, मीन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी 10+2। ये लिखा है सब्सिक्वेंटली और ऑल एस्पिरेंट्स विलिंग टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 10+2। लेकिन पॉलिसी के मुताबिक जो ऑल लेवल है उसमें प्री प्राइमरी भी शामिल हो रहे हैं, विल हैव टू क्वालिफाई टीईटी विच वाज अर्लियर ओनली एप्लीकेबल टू टीचर अप टू क्लास 8th। क्योंकि अब सभी टीचर, स्कूल टीचर्स को टेट पास करना होगा, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, जो एकेडमिक अथॉरिटी है, ने 9 जून 2021 को एक नया डिसीजन लिया, जो आपके लिए थोड़ी खुशी की बात है। जो आप जानते हैं कि पहले टेट 7 ईयर के लिए वैलिड था, लेकिन इस डिसीजन, इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि टीईटी सारी लाइफ के लिए वैलिड रहेगा। अगस्त 2021 में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सभी प्राइवेट स्कूल्स इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है आपके सामने ये डिस्प्ले की हुई है, उसमें लिखा हुआ है टीईटी टीचर रिपोर्ट एज पर आरटीई नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन। इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है, नंबर एक, स्कूल का नाम। नंबर दो, नंबर ऑफ टीईटी वन पास टीचर। टीईटी वन मीन वो टीचर जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक टीच कर रहे हैं। नंबर दो पर नंबर ऑफ टीईटी टू पास टीचर, कितने आपके पास टीचर्स हैं जिन्होंने टेट टू पास कर लिया है, जो 8th क्लास तक टीच कर सकते हैं। नंबर तीन, टीचर्स बिफोर अगस्त 2010, क्योंकि अगस्त 2010 से पहले लगे हुए टीचर्स को शायद टीईटी नहीं चाहिए, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टीचर्स विदाउट टेट, कितने टीचर्स ने टेट नहीं पास किया, आपके स्कूल में टीच कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट, क्योंकि आरटीई ने प्यूपल टीचर रेशो दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी गई है देखने के लिए।
कि जितनी रेशो में आरटीई चाहती है कि फॉर एग्जांपल 30 बच्चों के पीछे एक टीचर चाहिए प्राइमरी के लिए या 25 के लिए अपर प्राइमरी में एक टीचर चाहिए, तो क्या उतने टीचर्स रखे गए हैं या नहीं प्राइवेट स्कूल में। और ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ 6th to 8th स्टूडेंट। अगर सारी इन्फॉर्मेशन को क्लब करके समझना हो तो ये पक्का है कि टीईटी, अगर आप स्कूल टीचर बेशक प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हैं, आपको टीईटी पास करना होगा। दूसरा, आप किसी भी लेवल के टीचर बनना चाहते हो, बेशक प्री प्राइमरी है सेकेंडरी है मिडिल है, आपको टीईटी पास करना होगा। तीसरा, टीईटी में अच्छे मार्क्स लेने होंगे। अगर आने वाले एक साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहला ये कदम होगा, नंबर एक, टीईटी की क्वालिटी में चेंज आएगा, उसको एनटीए कंडक्ट करेगी और बाकी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट जो है वो टीईटी कंपलसरी हो जाएगी। तो आपके लिए आपको चाहिए कि आप अभी से अगर डीएलएड कर रहे हो, एनटीटी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तो आप टीईटी की तैयारी अभी से शुरू कर। थैंक यू।